मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 181 पर अब झूठी शिकायत करने वालों की खैर नहीं। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के जबूरी मैदान में नवनिर्वाचित सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि अब सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 20 नवंबर को जनजातीय टंट्या मामा गौरव यात्रा शुभारंभ अवसर पर खाडला बैठक में निसरपुर सरपंच अंतिम पटेल के द्वारा 181 पर तथ्य विहीन झूठी शिकायतों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा गंभीरता से लेकर बुधवार को जबूरी मैदान भोपाल में सरपंच सम्मेलन में मंच से 181 पर झूठी शिकायत करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है, जिसे लेकर निसरपुर के सरपंच अंतिम पटेल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। टंट्या मामा जनजातीय गौरव यात्रा के शुभारंभ अवसर पर खाटला पंचायत में मुख्यमंत्री जी से आपने जो निवेदन किया था 181 शिकायत, जो झूठी शिकायतें होती है उसको लेकर, तो कल जम्बूरी मैदान भोपाल में मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या प्रतिक्रिया रही? कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सभी सरपंचों को सरपंच सम्मेलन एवं उनके प्रशिक्षण के लिए कल भोपाल बुलाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा सरपंचों के अधिकारों के लिए अनेक प्रकार की घोषणा की है, जिसमें जो कुक्षी विधानसभा में जनजाति गौरव यात्रा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे उस टाइम खाटला बैठक जो आयोजित की गई थी उसमें सभी पंचायत निसरपुर पंचायत अंतर्गत और सभी विधानसभा के पंचायतों की एक विशेष मांग थी कि 181 पर जो झूठी शिकायतें की जाती है उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो, तो मेरे द्वारा सभी के प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से खाटला बैठक में इस बारे में चर्चा हुई और उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अवगत कराया था कि आप किस बात पर हम विशेष ध्यान देंगे और कल मध्य प्रदेश में सरपंच सम्मेलन में यह घोषणा की है कि जिस पर जो 181 की जो झूठी शिकायतें करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, कल उन्होंने घोषणा की उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे कुक्षी विधानसभा के सरपंच एवं पूरे मध्य प्रदेश के सरपंचों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार कल जो घोषणाएँ करी है, जो सरपंच का मानदेय 1750 से 4250 किया है, उसी प्रकार CSR रेट उसमें भी नई लागू की जाएगी, उसी प्रकार पंचायत का जो अधिकार क्षेत्र था 15 लाख का उसको भी बढ़ाकर उन्होंने 25 लाख का किया है, जिससे पंचायत 25 लाख तक के निर्माण कार्य कर सकती है। इसी प्रकार अनेक सौगातें सरपंचों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा दी गई है। मैं पूरे कुक्षी विधानसभा के सरपंच एवं पूरे मध्य प्रदेश के सरपंचों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो हमारी समस्या थी उसका निराकरण किया और आने वाले समय में और हमारी जो भी समस्या होगी निश्चित रूप से हम उसके लिए आपको अवगत कराएंगे। और इसी तारतम्य में एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने जो हमारी समस्या हल करी है, तो हमारे कुक्षी क्षेत्र में जो पुनर्वास संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मैं एक मुहावरे के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरा हाथी निकल गया है। कुक्षी तहसील से उपेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।